हेलो दोस्तों, नेटलिंग टेक्निकल ब्लॉग में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे नेटलिंक मॉडेम का पासवर्ड कैसे बदला जाएगा। अगर हमने ये पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड बदला नहीं है तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड जानने वाला कोई अपने मॉडेम के चढ़कर इसको छेड़ सकता है। पहले हम यही देखेंगे नेटलिंक मॉडेम का पहला कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। इसीलिए हमें मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर के ब्राउज़र के जरिए इसमें 192.168.1.1 पे लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब अपना जो ब्राउज़र होती है, ब्राउज़र का जो वेब एड्रेस हम देते हैं, वहाँ पे जाके अपने को 192.168.1.1 टाइप करना पड़ेगा। तो अपने को वेब लॉगिन पेज दिखा जाएगा, उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड पूछेगा। वो यूज़र नेम पासवर्ड पे अपना क्या बोलते हैं इसमें एडमिन ADMIN स्मॉल लेटर में टाइप करना है, और पासवर्ड में STDONU101 क्या है कि STD जो स्मॉल लेटर में टाइप किया जाएगा और ONU कैपिटल लेटर में और अंड 101 ये भी टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे वेरिफिकेशन कोड दिखेगा और उसके नीचे जो वेरिफिकेशन कैप्चर दिखेगा उसको आप टाइप करना है और फिर लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद इसमें ओल्ड पासवर्ड पूछेगा। ओल्ड पासवर्ड पे जगह आपको STDONU स्मॉल लेटर ONU कैपिटल लेटर 101 ये देना है, और उसके बाद न्यू पासवर्ड पूछेगा। वो न्यू पासवर्ड में आप स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स जोड़ सकता है और डिजिट अपने को 8 से ऊपर, मतलब जीरो कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं मिनिमम तो 8 लेटर भी होना जरूरी है। आपका नाम जोड़ सकता है, नाम के साथ अपने का कोई स्पेशल कैरेक्टर भी जोड़ सकता है। फिर अपन अप्लाई करना है, उसका अप्लाई में क्रॉसर आगे दबाना है, फिर दोबारा लॉगिन के लिए उसी स्क्रीन आएगा अपने साथ, वो वेब लॉगिन आएगा, उसमें आपका नया यूजर नेम टाइप करना है और नया पासवर्ड भी टाइप करना है और वेरिफिकेशन कोड उसके नीचे दिखा जाएगा उसको टाइप करना है, फिर लॉगिन करना है और नेटलिंक स्टेटस करके एक पेज में आई जाएंगे आप, और उसके बाद आपको मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। मैनेजमेंट क्लिक करके एक्सेस कंट्रोल पासवर्ड करके एक सेक्शन में आएंगे आप, उसमें यूजर नेम, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्मेशन पासवर्ड ये दिखा जाएगा आपको। और ओल्ड पासवर्ड क्या होती है, क्या अपना STD कैपिटल ONU 101 टाइप करना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको नीचे टाइप करना है जिसमें आपका स्पेशल नेम होती है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर होती है, और कंपलसरी नहीं है स्पेशल कैरेक्टर ही, मतलब आप अपने मर्जी जैसे पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। उसके बाद उसमें सेव एंड अप्लाई करना है। मैंने यही बोला था ऑलरेडी कॉन्फिगर मॉडेम को पासवर्ड बदलने के लिए, अगर आप इसका डिफॉल्ट यूजर आईडी और पासवर्ड जानते नहीं है तो आपका आपको जो कनेक्शन देने वाला लोकल केबल टीवी ऑपरेटर है उनके आप मांग सकता है ये उसका यूजर आईडी और पासवर्ड देने के लिए, क्या कि वो दे देगा आपको, उसके बाद आप इसमें जाके कॉन्फिगर करके यूज कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना या शेयर करना ना भूलिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कि हमारा लेटेस्ट अपडेशन वीडियो का अपडेशन आपको मिल ही जाएगा, जो भी नया नया डिवाइसेस का कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे पासवर्ड बदला किया जाता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिली जाएगा। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।